स्ट्रेन इज़ द डायमेंशन लेस क्वान्टिटी क्यों क्योंकि इसमें एक बात ध्यान देने की है कि अपर लिमिट अपर वैल्यू भी जो डायमेंशन की है सेम डायमेंशन की लोअर वैल्यू है न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं जैसे कि ये लेंथ मीटर में है यहाँ पर तो मीटर में एंड दिस वन ये मीटर में है और यहाँ पर का डिनोमिनेटर ये भी मीटर में है तो ये इसके यूनिट ज़ीरो और डाइमेंशंस भी वन यूनिट भी नहीं है एंड डायमेंशन भी नहीं है ठीक है टाइप ऑफ स्ट्रेन टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी के पास में दो अलग अलग तरह के स्ट्रेन हैं वैसे तो हम लोग जब फर्दर इसको डिटेलिंग करते हैं तो हमारे पास में और भी स्ट्रेन आएंगे पहला स्ट्रेन है यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन ये जो दो स्ट्रेन है ये किसके लिए है ये की बात हम लोग कर रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेन, जब हमने बॉडी में टेंशन प्रोड्यूस किया तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, मतलब यहाँ पर लेंथ इंक्रीज होने वाली है तो चेंज इन लेंथ टू कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ ऑफ बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस है ना और हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन को यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को बोलूँगा टेंसाइल स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन दिस इज इक्वल चेंज इन लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ नेक्स्ट है हमारे पास का कंप्रेसिव स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेन जब हम लोग बॉडी को कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ दिस इज़ कंप्रेसिव स्ट्रेन दोनों के दोनों लेंथ के लिए बात कर रहे हैं मतलब इफेक्ट ऑफ लेंथ बता रहे हैं मतलब ये सारे दोनों के दोनों लॉन्गिट्यूडनल के लिए स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुए वो ये दोनों हैं टेंसाइड एंड कंप्रेसिव इसके अलावा कंप्रेसिव स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ टू एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस अब उसके बाद में अगले हमारे दो और हैं सबसे पहला है वॉल्यूम स्ट्रेन वॉल्यूम स्ट्रेन जब हम किसी बॉडी के ऊपर बल्क स्ट्रेस लगाते हैं जिससे कि उसका पूरा वॉल्यूम चेंज हो जाए मैंने एग्ज़ाम्पल लिया एक हम लोगों ने देखा था ब्लॉक के ऊपर का कंप्रेशन और दूसरा देखा था बलून बलून का एक्सपेंशन तो ये पूरे वॉल्यूम पे एक्ट करता है तो इसीलिए हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन को कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन दिस इज इक्वल चेंज इन वॉल्यूम टू द ऑरिजिनल वॉल्यूम सॉरी मैं यहां पर वॉल्यूम बोल रहा था लेकिन नोटेशन मैंने लेंथ के लिखे वॉल्यूम स्ट्रेन दिस इज चेंज इन वॉल्यूम टू द ऑरिजिनल वॉल्यूम दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेन एक और है शियर स्ट्रेन जब हमने इस बॉडी पे शीयर प्रोड्यूस किया था जब हमने इस बॉडी पर टेंजेंशियल या शेयर फोर्स लगाया था जिससे बॉडी में शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया था तो बॉडी डिफॉर्म हो गई थी और बॉडी डिफॉर्म हो के फाइव एंगल से टिल्ट हो गई थी तो ऐसे वक्त में जो बॉडी में शेयर प्रोड्यूस हुआ जिसे हम लोगों ने बोला कि बॉडी थीटा एंगल से बेंड हो गई तो वो हमारे पास का शेयर स्ट्रेन है एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि स्विमिंग पूल पर से जो जंपिंग पैड है जहाँ पर से लोग डाइव करते हैं वो जब यहाँ पर पैर से इसको पुश करते हैं तो इस बॉडी में शीयर प्रोड्यूस हो जाता है ये जो एंगल है जैसे शीयर स्ट्रेन हुक्स लॉ हाँ एक साइंटिस्ट ने बॉडी के इलास्टिक बिहेवियर पे हुक ने बॉडी के इलास्टिक बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट करके नोटिस किया उसने बोला कि जब तक बॉडी इलास्टिक रहती है जब तक बॉडी इलास्टिक रहती है तो स्ट्रेस दिस इज फोर्स पर एरिया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है ना हमारा यहाँ पर कहना है कि इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशन से जुड़े हुए रहते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे ई e. जैसे हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हमने लिखा इक्वल इन टू ई यहां पर ई e जो है एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है और इसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहां पर ई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अब वापस से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट में एप्लीकेबल है पहली बात बॉडी का इलास्टिक होना चाहिए और इलास्टिक होने के बावजूद उसको इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे ही हम लोग बोलेंगे कि हुक्स लॉ बॉडी पर वैलिड है ठीक है जब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ प्लॉट किया तो हम लोग इसे बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब हम लोग स्ट्रेस किसी बॉडी पर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो इस रिलेशन को हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखते हैं <coughs> हमने यहाँ पर एक वीडियो से इसको बहुत अच्छे से समझाया है देखेंगे जैसा कि हम लोग बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसमें इफ़ेक्ट आ रहा है फिर से देखें यहाँ पे हम लोग बॉडी को बोलेंगे कि बॉडी पे हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसमें यहाँ पर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है अब इस वीडियो में जरा हम लोग देखते हैं ये एक पॉइंट आएगा यहाँ पर

ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो स्ट्रेट लाइन को बता रहा है ये बताना चाह रहा है कि स्ट्रेस इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जहां तक बॉडी स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है इसे हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट के भी नाम से जानते हैं और पॉइंट वो पॉइंट है पॉइंट वो पॉइंट है जहां तक बॉडी इलास्टिक रहती है देखते हैं अब यहां पर बात करते हैं यहां पर ये इनिशियल पोजीशन अब हमने ड्रैग करना शुरू किया यहां तक आकर के ये प्रोपोर्शनल लिमिट है तो यहां से यहां तक की वैल्यू में बॉडी इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है और उसके बाद के बाद बॉडी में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है बॉडी में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है जो आ रहा है बी और सी के बीच में बी और सी के बीच में ये है बी और ये है सी ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पर बॉडी प्लास्टिक बिहेवियर रखती है यहाँ पर बॉडी प्लास्टिक बिहेवियर रखती है मतलब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दिया तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगी उसके बाद हमारे पास का पॉइंट सी कहलाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वो है जहाँ पर से बॉडी अपने खुद के वेट की वजह से परमानेंटली एक्सटेंड होने लग जाती है बॉडी में एक फ्लो का बिहेवियर देखने को मिल जाता है और बॉडी जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स आप हटा भी देंगे तो भी उसमें लगातार इलोंगेशन होते रहेगा और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब बॉडी वहाँ पर जा के ब्रेक हो जाएगी दिस पॉइंट इज़ ब्रेकिंग स्ट्रेस इस स्ट्रेस पे आके बॉडी ब्रेक हो रही है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस सिचुएशन बॉडी ब्रेक हो रही है उस स्ट्रेस को हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं इस तरह से हमने इस ग्राफ को देखा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ में एक दूसरे को रिलेट कर रही है जैसे जैसे हम लोग फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे बॉडी के बिहेवियर में लगातार चेंज आएगी अब हमने बोला कि यहां पर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में एक एग्जाम्पल लिया डक्टाइल मेटल डक्टाइल मेटल क्या होता है जब हम किसी भी मटेरियल वो है जिसे हम स्क्वीज करके वायर बना सकें गुड एग्जाम्पल इज गोल्ड गोल्ड जिसे हम स्क्वीज करके थिन वायर बना सकते हैं ऐसे मटेरियल को हमने लिया है अब यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल के लिए हम लोग ग्राफ देखते हैं बहुत ही सही चीज़ है हम लोग इसको जरा देखें सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया यहाँ पर इलास्टिक लिमिट तक इलास्टिक लिमिट तक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेगी जहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट है क्योंकि मैंने पहले भी बोला था विद इन प्रपोर्शनल लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रपोर्सनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज इलास्टिकल टू स्ट्रेन यहाँ पर आने के बाद में बॉडी स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी यील्ड पॉइंट यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ तक बॉडी इलास्टिक रहती है आप इस फोटो में देख सकते हैं ये जो लाइन है ये यील्ड पॉइंट के लिए बना हुआ है आप लोग तो देख सकते हैं जहाँ तक बॉडी इलास्टिक रहती है वो यील्ड पॉइंट कहलाती है और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस कहते हैं अब इसके बाद यील्डिंग के बाद बॉडी जो है वो इलास्टिक बिहेवियर रिलीज करके इन इलास्टिक बिहेवियर को प्लास्टिक बिहेवियर को गेन करता है यहाँ पर देखेंगे बॉडी में यील्डिंग शुरू हो गई है उसके बाद ये होने, पॉइंट होने के बाद स्ट्रेस के बाद बॉडी जो है वो हार्डनिंग को गेन करता है बॉडी में हार्डनिंग के नेचर आने लग जाते हैं ये सारा का सारा प्रोसीजर कहाँ चल रहा है प्लास्टिक के बिहेवियर में चल रहा है आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमने बोला हुआ है दिस इज प्लास्टिक बिहेवियर अब उसके बाद में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले प्लास्टिक बिहेवियर उसके बाद में यील्डिंग येल्डिंग के बाद हार्डनिंग हार्डनिंग के बाद में दिया हुआ है नेकिंग नेकिंग के वक्त में यहाँ पे बॉडी का क्रॉस सेक्शन कम होने लगता है क्रॉस सेक्शन का कम होना इज कॉल्ड नेकिंग नेक शेप में फॉर्मेशन दिस इज नेकिंग तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले यल्डिंग फिर हार्डनिंग और फिर नेकिंग ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा क्या कहलाएगा प्लास्टिक नेचर और जैसे प्लास्टिक नेचर पूरा हुआ उसके बाद बॉडी ब्रेक होगी बॉडी जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट को गेन करती है तो ये हमारे पास का एक डक्टाइल मटेरियल के ऊपर हमने बिहेवियर देखा कि लगातार डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है एक बार फिर से आप इसे वॉच कर सकते हैं जितना मैंने समझाया यहाँ पे अभी इलास्टिक बिहेवियर इलास्टिक बिहेवियर के बाद में फिर शुरू हो गई यील्डिंग के बाद हार्डनिंग इसमें क्रॉस सेक्शन भी कम हो रहा है अब उसके बाद नेकिंग शुरू हो गई और फिर ब्रेक हो गई बॉडी ठीक है जब ये सारी चीजों को हमने समझ लिया है तो हम लोगों ने एक और बॉडी पे इसका बिहेवियर देखने का सोचा हम लोगों ने ओवरऑल मिला करके सारी बातों को इस तरह से देखने का सोचा जब हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का रीजन जहाँ तक बॉडी कैसे रहती है स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है ये ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन होगी तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट जिस लिमिट में बॉडी प्रोपोर्शनल रहती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट अब प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद में भी बॉडी इलास्टिक रहती है लेकिन उसमें एक परमानेंट सेट जनरेट हो जाता है उसमें एक परमानेंट सेट जनरेट हो जाता है मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपके पास पेन का स्प्रिंग आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट सभी बच्चे करते हैं जब पेन को बार बार पेन के स्प्रिंग को स्ट्रेच और स्प्रिंग कंप्रेस करते हैं जब तक आपने स्ट्रेच किया और वापस से कंप्रेस किया और बॉडी अपने ओरिजिनल लेंथ पर रहती है तो हम उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट में है लेकिन जब आपने उसी स्प्रिंग को ज्यादा खींच दिया तो क्या वो वापस से इनिशियल शेपन साइज में आ पाती है नहीं आ पाती है लेकिन इलास्टिक है फिर भी वो पेन के स्प्रिंग के रूप में यूज होती है ये जो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आया स्प्रिंग जो है उसकी लेंथ बढ़ गई है तो इलास्टिक लेकिन उसकी लेंथ बढ़ चुकी है दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट है हमारे पास बॉडी में परमानेंट सेट अब इस तरह से लेकिन बॉडी तो इलास्टिक है बॉडी कब तक इलास्टिक रहेगी यील्ड पॉइंट तक या बॉडी यील्ड पॉइंट तक रहेगी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं प्रोपोर्शनल लिमिट में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहेगा बॉडी तो इलास्टिक रहेगी ही लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहेगा और यील्ड पॉइंट तक बॉडी प्लास्टिक रहेगा लेकिन यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा अब हमने बोला ये हो गया बॉडी का लोअर यील्ड पॉइंट और उसी के करस्पोंडिंग हमने बना दिया यहां पे अपर यील्ड पॉइंट ठीक है हमने बोला उसके बाद बॉडी बाद में ये प्लास्टिक बिहेवियर देखने को मिल जाता है प्लास्टिक बिहेवियर देखने के बाद में अब उसके बाद बॉडी में क्या हो जाता है यहाँ पर आने के बाद खुद के वेट की वजह से बॉडी में इलॉन्गेशन शुरू हो जाता है और वापस से यहाँ पर आ कर के ब्रेकिंग पॉइंट को बॉडी गेन कर लेती है दिस इज़ फ्रैक्चरल पॉइंट और इस पर जो स्ट्रेस लगता है दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस ड्यू टू तो विच दिस ब्रेक्स ये पूरा का पूरा रीज़न प्लास्टिक रीजन है ठीक है हम लोग बोलते हैं कि द डिफरेंट रीजन और इन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सबसे पहला है प्रोपोर्शनल लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट इससे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और ये हुक्सलॉ को फॉलो करती है नंबर टू स्ट्रेस इस रीजन इस में स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी देता है यदि वायर हो तो यंग्स मॉड्यूल्स देगा हम्म ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है ये ओ ए से स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है जो आप लोगों ने अभी देखा है ये ओ से ए तक का जो रीजन है वो प्रोपोर्शनल लिमिट को बताएगा ये हमारे पास का ग्राफ ये प्रोपोर्शनल लिमिट को बताएगा ठीक है आप लोग समझ गए होंगे ये वाला रीजन ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट को बता रहा है इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहां तक बॉडी में इलास्टिसिटी देखने को मिलती है दिस इज़ द पॉइंट ऑन ग्राफ अप टू मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन नेक्स्ट है हमारे पास में बोलने का कि इससे ज्यादा जब हम लोगों ने स्ट्रेस लगाया इस लिमिट्स को क्रॉस करने के बाद में बॉडी कभी भी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन नहीं कर पाएगी दिस इज नोन एज प्लास्टिक रीजन और बॉडी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो गया है यहां पर से हम लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा प्लास्टिक रीजन है जिसमें बॉडी अपने इनिशियल शेप एंड साइज को गेन नहीं कर सकती है यील्ड पॉइंट पॉइंट वो पॉइंट है जहां तक बॉडी अपने इलास्टिक लिमिट को रखती है और उसके बाद बॉडी हो रही है मतलब वो प्लास्टिक नेचर को शो कर रही है आफ्टर इज पास्ड परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑकर्स अब दो तरह के यील्ड पॉइंट हैं सबसे पहला अपर यील्ड पॉइंट एंड नंबर टू लोअर यील्ड पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट अब इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं ये है हमारे पास का अपर यील्ड पॉइंट एंड ये ये वाला पॉइंट हमारे पास में है लोअर यील्ड पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है ये लोअर यील्ड पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट क्या है बहुत ही अच्छा समझें

डिफॉर्मेशन और बॉडी का फेलियर दिखने लग जाता है इसका स्ट्रक्चर डिफॉर्म होने लग गया और बॉडी ब्रेकिंग की तरफ जाने लग जाती है बियड दिस पॉइंट फेलियर ऑकर्स यही हमने अभी बात की है यह है हमारे पास में अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट नेक्स्ट है फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट जहाँ पर बॉडी में डिफॉर्मेशन की वजह से बॉडी खुद से ब्रेक हो जाती है दिस इज द पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट विच फेलियर ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस बॉडी ब्रेक हो जाती है और ये जो है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट है चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया गया है और हमें बोला जा रहा है कि किस मटेरियल का यंग्स मॉडल्स ज़्यादा है तो हम लोग जानते हैं कि यंग्स मॉडल्स दिस इज इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इसका मतलब है स्लोप ऑफ ग्राफ स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स यंग्स मॉडल्स और जब ऐसा है तो हमें बताइए कि इस ग्राफ में किसका स्लोप ज्यादा है ए का या बी का आंसर है ए का तो ए का स्लोप ज्यादा है इसीलिए मॉडल ऑफ ए इज ग्रेटर देन यंग्स ऑफ बी यंग्स मॉडल ऑफ ए इज ग्रेटर देन यंग्स ऑफ़ बी नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कौन सा मटेरियल ज्यादा डक्टाइल है डक्टाइल मतलब विच इज इन द फॉर्म ऑफ वायर तो जो ग्राफ ज़्यादा लॉन्ग समय तक ज़्यादा लंबे दूर तक इलोंगेट होता रहे तो उसे हम अच्छा वायर बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि जब मोर डक्टाइल की बात करते हैं तो डक्टिलिटी ऑफ ए डक्टिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डक्टिलिटी ऑफ बी बिकॉज इट इज़ इलॉन्गेटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वायर इट विल नॉट ब्रेक लेकिन वही जब हम लोग बात करते हैं विच इज मोर ब्रिटल तो ये हमारा आंसर आता है बी क्योंकि ये वायर देखिए यहीं पर आकर के इमीडिएटली ब्रेक हो रहा है इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन सा हमारे पास का ज्यादा ब्रिटल है तो हमारे पास का आंसर आएगा यहाँ पर बी इज मोर ब्रिटल देन ए बी इज मोर ब्रिटल देन नेक्स्ट हमारे पास में विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल जिसकी मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा जिसकी मॉड्यूल ऑफ इलास्टिस मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी वो कम स्ट्रॉन्ग होगा नेक्स्ट हमारे पास का क्वेश्चन है फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड टेंजियल स्ट्रेस ऑन द फिक्स एज शोन इन फिगर तो हमारे पास में इसका आंसर होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दिस इज फोर्स अपॉन एरिया और ये फोर्स कैसा होना चाहिए अलोंग लेंथ एंड नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल इज ऑलवेज नॉर्मल तो हमारे पास का जो फोर्स नॉर्मल होगा ये वाला नॉर्मल फोर्स है दिस इज हंड्रेड इसके कंपोनेंट देखते हैं तो दिस इज हंड्रेड कॉस थर्टी एंड दिस इज हंड्रेड साइन थर्टी और जब ऐसा है तो हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दिस इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया हम लोग देखते हैं कि यहां पे फोर्स अपॉन एरिया फोर्स क्या है जो नॉर्मली एक्ट कर रहा है दिस इज हंड्रेड साइन थर्टी दिस इज हंड्रेड साइन थर्टी तो हम लोग लिखेंगे यहां पर हंड्रेड साइन थर्टी एंड एरिया एरिया कौन सा हो जाएगा हमारे पास का हमारे पास का इसका एरिया होने वाला है ये एरिया जिस पर यह एक्ट हो रहा है दिस इज द एरिया और ये एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ दिस इज फाइव इंटू टू लेंथ इंटू ब्रेथ दिस इज फाइव इंटू टू फाइव इंटू टू दिस इज फिफ्टी अपॉन टेन दिस इज फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नेक्स्ट है हमारे पास का टेंजेंशियल स्ट्रेस अब जरा देखते हैं टेंजेंशियल ये इस तरफ लग रहा है सरफेस के टेंजेंशियल इस तरफ लग रहा है तो हंड्रेड कॉस थर्टी इज टेंजेंशियल फोर्स तो हम लोग लिखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस दिस इज फोर्स अपॉन एरिया टेंजेंशियल फोर्स इज हंड्रेड कॉस थर्टी कॉस थर्टी अपॉन एरिया दिस इज फाइव इंटू टू हंड्रेड कॉस थर्टी इज रूट थ्री बाय टू अपॉन एरिया दिस इज फाइव इंटू टू दिस इज फाइव रूट थ्री न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इससे हमें टेंजेंशियल और नॉर्मल मतलब लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस के बारे में पता लगता है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेस कैन बी अप्लाइड ऑन the suspend एंड एलिवेटर इज बिल्कुल ये है स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम। इसकी वैल्यू है थ्री बाय पाई इंटू टेन रेस टू एट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अच्छा ये तो मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया अब एलिवेटर का मास 900 हंड्रेड के जी ऑलरेडी गिवन है मास ऑफ एलिवेटर 900 हंड्रेड के जी स्ट्रेस मैक्स मैक्सिमम स्ट्रेस दिस इज थ्री बाय पाई इंटू टेन के पावर एट थ्री बाय पाए इंटू टेन रेस टू एट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नाउ ये इंफॉर्मेशन हो गए अच्छा जब हम इसको एक्सलेट करें टू पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं एक्सेलरेशन इज 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो फाइंड मिनिमम रेडियस मिनिमम रेडियस क्या होगा यह है हमारे पास का क्वेश्चन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हम जब एक लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हैं जब हम एक लिफ्ट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हैं तो इसमें जो टेंशन लगने वाला है टेंशन की वैल्यू होती है एम इंटू जी प्लस ए एम की वैल्यू है नाइन हंड्रेड जी की वैल्यू है नाइन पॉइंट एट प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू है टू पॉइंट टू नाइन हंड्रेड इंटू ट्वेल्व दिस इज टेंशन टेंशन अब हमें बोला गया है कि इसके मैक्सिमम स्ट्रेस इस की वैल्यू हमें मालूम है स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है हमारे पास में थ्री बाई फाइव इंटू टेन रेस टू एट एंड दिस स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया फोर्स की वैल्यू हमने देख लिया है दिस इज नाइन हंड्रेड इंटू वायर पे लगने वाला टेंशन अपॉन में एरिया दिस इज पाई इन आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर दिस इज इक्वल थ्री बाय पाई इन टू टेन रेस टू एट हमारे पास के इंफॉर्मेशन सभी प्रॉपर हैं और अब हम लोग इसके कैंसिल होने की बात करेंगे जब कैंसिल होने की बात करते हैं तो ये कैंसिल हो गए और थ्री फोर जा ट्वेल्व एंड फाइनली फाइनली हमारे पास का इंफॉर्मेशन आता है नाइन फोर जा थर्टी सिक्स थ्री सिक्स डबल जीरो अपॉन आर स्क्वायर दिस इज टेन रेस टू एट सिक्सटी अपॉन आर दिस इज टेन रेस टू फोर आर इक्वल सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मीटर इक्वल सिक्स मिलीमीटर वापस से रिपीट करूंगा हमारे पास स्ट्रेस दिया हुआ है स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स अपॉन एरिया मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू दिया हुआ है लिख लिया एरिया पाई आर स्क्वायर आर की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे